फ्रेंड्स, वेलकम टू चटपट चटोर किचन। आज हम चटपट चटोर किचन में बनाने वाले हैं टेंडर कोकोनट प्रॉन। ये बंगाल की एक फेमस डिश है जिसको बंगाल में डब चिंगड़ी बोलते हैं। तो चलिए इसको बनाने की रेसिपी हम देख लेते हैं। टेंडर कोकोनट प्रॉन्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है काली मिर्च, जिसको मैंने घर पर ही पाउडर बना लिया है। फिर मैंने लिया है यहाँ पे इलायची का पाउडर। इलायची पाउडर लेने के बाद मैंने यहाँ पे लिया है ग्रीन चिली पेस्ट। ग्रीन चिली पेस्ट लेने के बाद यहाँ पे मैंने लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट। और मैंने यहाँ पे ले लिया है जीरा, दालचीनी और काजू को मिला के पेस्ट इस तरह का मैंने बना लिया था। फिर मैंने लिया है यहाँ पे कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर के बाद मैंने यहाँ पे प्रॉन्स ले लिए हैं, जिनको मैंने इस तरह से साफ कर लिया है। आप किसी भी साइज के प्रॉन्स यहाँ पे ले सकते हैं। फिर मैंने इस तरह से टेंडर कोकोनट को कट करके रख लिया है। अब हमें प्रॉन्स ले लेने हैं और प्रॉन्स में हमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल के इसको अच्छे से मैरिनेट कर लेना है। देखिए, मैंने हाथों से रब करते हुए इस तरह से नमक और हल्दी प्रॉन्स पे लगा लिया है। प्रॉन्स में नमक और हल्दी लगाने के बाद इसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। फिर हमें इसमें जीरा, काजू और दालचीनी वाला पेस्ट डाल लेना है और ग्रीन चिली वाला पेस्ट भी डाल लेना है। ग्रीन चिली वाले पेस्ट को डालने के बाद इसमें हमें थोड़ा सा सरसों का ऑयल डालना है और इसको अच्छे से मिला लेना है। प्रॉन्स में सारे मसाले मिलाने के बाद इसमें हम थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डालेंगे और काली मिर्च पाउडर डालने के बाद इसमें हम थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। इसको अच्छे से मिलाने के बाद इसमें हम थोड़ा सा दही डालेंगे और इसको भी हमें अच्छे से मिला लेना है। दही डालने के बाद इसमें हम थोड़ा सा क्रीम डालेंगे और इसको फिर से एक बार अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पे मैंने अमूल का फ्रेश क्रीम यूज किया है। इन सारी चीजों को अच्छे से मिलाने के बाद इसमें हम कश्मीरी रेड चिली पाउडर का डालेंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब इन मसाले मिले हुए प्रॉन्स को हमें टेंडर कोकोनट के अंदर भर लेना है। देखिए, यहाँ पे मैंने सारे प्रॉन्स को कोकोनट के अंदर भर दिया है। अब इसका बचा हुआ मसाला भी हमें इसके अंदर डाल लेना है। यहाँ पे हमें टेंडर कोकोनट हल्की मलाई वाला लेना है। देखिए, इस तरह से मैंने सारे मसाले को टेंडर कोकोनट के अंदर भर लिया है। प्रॉन्स और उसके मसाले को टेंडर कोकोनट के अंदर भरने के बाद एक आटे की लोई बनाकर हमें इसमें इस तरह से अच्छे से चिपका लेना है और टेंडर कोकोनट के ऊपर वाले हिस्से को इसमें इस तरह से चिपका लेना है। ये कवर पकाते समय खुले ना, इसलिए मैंने बाहर से भी इसमें आटे की लोई को इस तरह से चिपका लिया है। देखिए, ये पकाने के लिए एकदम रेडी है। अब हम इसको गैस पे इस तरह से रख लेंगे और गैस का फ्लेम ऑन कर लेंगे। इस समय हमें गैस के फ्लेम को मीडियम फ्लेम में रख के ही पकाना है ताकि अंदर से अच्छे से पक जाए। 20 टू 30 मिनट्स बाद हमें इसको निकाल लेना है। देखिए, हमारी प्रॉन्स करी यहाँ पे बन चुकी है। मैं आपको एक प्रॉन्स निकाल के दिखा देती हूँ। ये प्रॉन्स एकदम पक चुके हैं। ये टेंडर कोकोनट प्रॉन्स सर्व करने के लिए एकदम तैयार है। इसको हम चावल के साथ सर्व करेंगे। टेंडर कोकोनट प्रॉन्स बनके तैयार है। अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।